स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने चैनल में मैं हूं आपका विशाल सर विशाल कुमार जायसवाल गाइस ये सेशन हम सभी के लिए बहुत मुश्किलों भरा रहा है आप सभी बच्चों के लिए टीचर्स के लिए पेरेंट्स के लिए स्कूल्स के लिए सभी के लिए ये बहुत मुश्किलों भरा समय रहा कोविड 19 की वजह से कई सारे बड़े बदलावों को हमने इस सेशन में देखा जैसे कि एग्ज़ाम्स पैटर्न चेंज हुए सिलेबस रिडक्शन हुआ बहुत सारी चीज़ें थी जो देखने के लिए हमें मिली और इसमें अभी एक नया जो चीज़ आया है बदलाव जो आया है वो है जो सैंपल पेपर कुछ समय पहले सी ने जारी किया था ठीक है तो यहाँ पर इस नए सैंपल पेपर में जो कुछ क्वेश्चन पेपर में जो कुछ अहम बदलाव देखने को हमें मिला ठीक है इस बदलावों को लेकर के जो है कई स्कूल्स के प्रिंसिपल्स ने और एक्सपर्ट्स ने अपनी राय रखी है कई दिक्कतों को बताया है और इसमें इसको देखते हुए कुछ इस पे बदलाव करने के लिए कुछ सुझाव दिए भी हैं और साथ ही साथ में उन्होंने ये भी मांग किया है कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि बच्चों को बोर्ड एग्जाम 2021 देने में कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ आप देख रहे हैं इस वक्त कि कुछ समय पहले सीबीएसई अधिकारियों के साथ में स्कूल्स प्रिंसिपल का एक वेबिनार हुआ था जिसमें कि एक्सपर्ट्स जितने भी एक्सपर्ट्स थे ऑल ओवर इंडिया से उन्होंने बदले हुए पेपर पैटर्न को लेकर के अपनी जो शंकाएं हैं वो जाहिर की थी ठीक है और साथ ही साथ में ये जो नया पैटर्न है इसको लेकर के आने वाले समय में क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं ये भी सभी स्कूलों के प्रिंसिपल्स ने और साथ ही साथ में एक्सपर्ट्स ने उन चीज़ों को बताया अब इस अब मैं आपको बता दूं कि ये जो अभी जो नया सैम्पल पेपर रिलीज किया गया था सी के द्वारा ठीक है थर्टी परसेंट रिडक्शन के साथ में तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ फेस हुआ देखिए सबसे पहला जो चीज़ है वो कई स्कूलों के प्रिंसिपल्स ने इसे क्या किया कि इसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग बताया है मतलब ये पेपर क्वेश्चन कौस, पेपर जो रहेगा नए सिलेबस के हिसाब से वो टाइम कंज्यूमिंग बताया है एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिस तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यू ठीक है शामिल किए गए हैं वे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज्ड कर सकते हैं कन्फ्यूज करने का बात उठा रहा है जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा मतलब कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से कंफ्यूजन का स्थिति बना हुआ आ सकता है रह सकता है ठीक है क्योंकि एम में देखिए जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं बेटा कि जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत हद तक मिलते जुलते दिए जाते हैं ठीक है तो ये एक बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है एक्सपर्ट्स के राय में और साथ ही साथ में देखिए एक्सपर्ट्स के अनुसार मैथ्स में जो ये किया गया है कि एक एक अंक के सवाल जो दिए गए हैं एमसीक्यू के रूप में वैसे वो आसान तो हैं लेकिन इन्हें सॉल्व करने में स्टूडेंट का काफ़ी ज़्यादा समय कंज्यूम हो सकता है दिक्कत आ सकती है ठीक है क्योंकि इन सवालों को जो सॉल्व करने का जो प्रोसेस होता है वो लंबा होता है है ना तो यहाँ पे इन्होंने ये बात को एक्सपर्ट्स ने इन बातों को आ, उठाया सीबीएसई ऑफिशियल्स के साथ साथ में साथ ही साथ में कम अंकों के सवालों में ज्यादा समय लगेगा ऐसा भी उन्होंने वहां पे बताया है ठीक है स्टूडेंट्स हम सब का कोई ना कोई पैशन होता ही है लेकिन कितना अच्छा हो अगर हमारा पैशन ही आगे चलकर हमारा कैरियर हो जाए तो आपने बिल्कुल सही सुना और इसमें आप सभी को हेल्प करने के लिए वर्ल्ड लीडिंग एंड इंडिया बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन आपके लिए ला रहा है ट्वेंटी दिसंबर को कैरियर क्वेस्ट A career festival, a free summit with power packed sessions, which will help learners explore exciting career options in unconventional industries. Millier industry icons or successful professionals say who have been breaking the norms and gain the confidence to choose your dream career. Guest speakers featuring Gautam Bhimani, Kunal Vijekar, Philip Rose, and many others. तो स्टूडेंट्स अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे आप भी अपने पैशन को अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट को अपने कैरियर में बदल सकते हैं तो ट्वेंटी दिसंबर को इस पावर पैक्ड इंफॉर्मेटिव सेशन में शामिल होने के लिए तुरंत खुद को रजिस्टर कीजिए और वो भी एब्सोल्युटली फ्री सो गाइस, स्प्रेड योर विंग्स विथ अन अकेडमी कैर अटेंड दिस सेशन एंड प्लान सक्सेसफुल रोड मैप फॉर योर फ्यूचर रजिस्टर फॉर फ्री फॉर ट्वेंटी दिसंबर देखिए यहां पे आप और भी देख सकते हैं कि फिर बाकी सवालों के लिए जो है एक्सपर्ट्स के अनुसार समय की कमी हो सकती है तो अब यहां पे साथ ही साथ में जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने आप सभी के लिए देखिए आपको सुझाव भी दिया है कि आप नए पैटर्न के अकॉर्डिंग आप तैयारी कैसे करेंगे यह आपको बताया जा रहा है आपको क्या फॉलो करना चाहिए ठीक है का सभी स्कूल्स प्रिंसिपल का कहना है टीचर्स को स्टूडेंट्स को नए पेपर पैटर्न के लिए अच्छी तरह ट्रेन करना होगा पहला तो ये बात कहा गया है कि ट्रेन करना जरूरी है ठीक है केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं ठीक है उनके सवालों एमसीक्यू शॉर्ट ट्रिक्स की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करानी होगी टीचर्स को और साथ ही साथ में स्टूडेंट्स को भी करनी होगी क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं तो ये हम सभी जानते हैं बेटा कि ऑनलाइन क्लासेस के वजह से ये पता चल पाना बहुत ही मुश्किल है कि स्टूडेंट्स नए पैटर्न को समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं और अभी तक जैसा पता चला है सर्वे में कि ये जो जवाब जवाब है है वो है बड़ा ना मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको नया पेपर पैटर्न जो है एग्जाम पेपर पैटर्न जो है वो समझ में नहीं आया है ठीक है अब देखिए यहां पे एक्सपर्ट्स ने एक और बात कहा है कि अगर सही ढंग से प्रोसेस किया जाए तो नया पेपर पैटर्न मुश्किल नहीं है सिर्फ इसके लिए आपको क्या करना होगा ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा और अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना होगा तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो होगा क्या कि आप किसी भी सवालों में ज्यादा समय नहीं देंगे और सही जवाब भी दे पाएंगे साथ ही साथ में पॉइंट ये है कि आपको समय क्योंकि बचत होगा तो आप ज्यादा अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे आपको मार्क्स 95 प्लस स्कोर करने में कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि स्कूल्स के प्रिंसिपल्स एक्सपर्ट्स ने उठाया है सी बी के सामने में अब देखना ये है कि सत्रह दिसंबर को जो शिक्षा मंत्री फिर से लाइव होने वाले हैं शाम चार बजे उसमें क्या इस बात को भी जगह दिया जाता है ये नया पेपर पैटर्न जो है और जो एक्सपर्ट्स ने बोर्ड को अपनी दिक्कतें जो बताई हैं तो उस पर क्या कुछ फैसला लेंगे हमारे शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल जी ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा लेकिन बेटा तब तक के लिए हम आपको ये कह देंगे कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स पे पूरा फोकस कीजिए किसी भी हालत में आपका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना होगा हर सब्जेक्ट्स में ठीक है तो लेटेस्ट अपडेट्स के साथ में हम आपके लिए आते रहेंगे आपको जल्द से जल्द हमें सब्सक्राइब कर लीजिए करना होगा भी अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो साथ ही साथ में हमारा नया चैनल फॉर स्टडीज को भी आप सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि उसमें बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स के साथ में हम आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो इस नए चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप वहाँ से इसे ले सकते हैं साथ ही साथ में हम आपको अभी जो लगातार पी फॉर्म में नोट्स अवेलेबल करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक है तो उन नोट्स को आप जरूर लीजिए डाउनलोड कीजिए वो बिल्कुल फ्री है अभी इस वीडियो में बस इतना इस उम्मीद के साथ में कि आप अपनी पढ़ाई को और तेज करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहेंगे मिलते हैं नए वीडियो में दिस इज योर विशाल से साइनिंग ऑफ प्लीज टेकआम स्टे सेफ स्टे हेल्दी जय हिंद जय भारत